हेलो बच्चों बच्चों आप लोग जैसा पूछ रहे थे कि सर फिजिक्स को लेके कौन सी किताब लेनी चाहिए क्लास 11 ट्वेल्थ में, तो उसको लेके मैं आ गया हूँ और अपना सजेशन आपको देंगे मैं दूंगा और आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके देखें कि क्या ये सूटेबल आपके लिए है। मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेशन बहुत ही तगड़ी हैं और आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। और मैंने क्या किया है कि एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ भी जाके अगर आपको मार्केट से नहीं मिल रही हैं बुक्स तो आप ऑनलाइन वगैरह से ले सकते हैं, वो लिंक नीचे है, आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। फिजिक्स की किताब की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए एनसीईआरटी की किताब तो आपने ले ही रखी होगी या खरीदेंगे ही, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि एनसीईआरटी की बुक आप ना लें। मान लीजिए स्कूल वगैरह में ऐसी कोई बात हो जाए जिससे आपको लगे कि एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलती नहीं करनी है। मैं आपको एनसीईआरटी की 12th है मेरे पास, 11th भी है लेकिन 12th दिख रही है इधर, तो ये देखिए 12th दो पार्ट्स में एनसीईआरटी की आती है बुक्स, 12th की और 11th की भी, तो आप इसको ले लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि आपको जैसा पता ही है कि बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी पे डायरेक्टली बेस्ड होते हैं। अब बात करता हूँ, एक दूसरी किताब आती है बोर्ड की तरफ से ही, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेसिकली किताब है ज़रूर, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक है, इसको ऐसा समझिए। इसमें क्वेश्चंस काफ़ी दिए रहते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, और उनका लेवल नीचे से लेके ऊपर तक है। बड़ी अच्छी किताब है, आप लगाएंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, खुल तो एनसीईआरटी से भी जाएगा आपके जो पीछे दिए रहते हैं सारे क्वेश्चंस की मैं बात करूं। तो बोर्ड में आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आप किताब लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से होती जाएगी। कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी में जो थ्योरी दे रखी है बेटा, वो थ्योरी अगर आप खुद पढ़ने बैठे तो कभी कभी ये डिफ़िकल्ट लगती है या ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि उन्होंने बुक को पतली करने में, क्योंकि देखिए किताब दो बुक्स हैं इतनी पतली पतली करने के, उसमें बहुत ही कायदे से लिख दिए। बेसिकली मैं जब अपने बच्चों से बात करता हूँ कोचिंग में जो आते हैं, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी की फिजिक्स की बुक एक गीता के श्लोक की तरह है। अब उस श्लोक को एक्सप्लेन करने के लिए या तो एक अच्छी किताब हो जो एक्सप्लेन करके लिखी हो, या एक टीचर अच्छा हो आपके पास जो उसको एक्सप्लेन कर सके। सब कुछ सही लिखा है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन काफ़ी टाइट है, श्लोक फॉर्म में है उसका एक्सप्लेनेशन, अर्थात इसका मतलब ये, ऐसे पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए कौन सी बुक काम कर सकती है, तो मेरी रिकमेंडेशन है, ये देखिए ये जो बुक्स हैं ये 11 12 दोनों मैंने हाथ में लिखी हैं, ये एसएल अरोरा की किताब आती है, थोड़ी भारी है तो एक हाथ से शायद मैं उठाना नहीं चाहूँ, कोशिश कर लेता हूँ अच्छा। ये है एसएल अरोरा की किताब, धनपत राय एंड कंपनी की आती है, ये फिजिक्स की किताबें हैं। इसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं थोड़ा आगे आता हूँ शायद आपको दिखाई पड़ सके। ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने इसको पढ़ा है और मैं इसको फॉलो भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे ना मैं किसी और किताब की तो बात नहीं करूंगा, मैं इतना बोलूंगा कि इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है राइटर ने, अरोरा साहब ने, वो बहुत अच्छी है, और थैंक्स टू एसएल अरोरा साहब, उन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी। तो इसके बाद मेरा यही कहना होगा कि आप पकड़ लीजिए एसएल अरोरा, किसकी ये धनपत राय एंड कंपनी की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही। तो ये अगर तीन किताबें, इसमें आपको काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, थ्योरी इज़ वेरी गुड एंड थ्योरी के सब कुछ अच्छा है, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे अच्छे, काफ़ी मात्रा में न्यूमेरिकल्स है, कॉम्पिटिशन में आए हुए न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे, ये किताब बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। ज़्यादा किताब बताने पर आप उतनी संभाल नहीं पाएंगे, तो क्लास 11th 12th में अगर हैं और ये तीन कॉम्बिनेशन आप बना देते हैं, तो आप ये मान के चलें कि अगर कुछ सब कुछ ठीक रहा तो आप 100 में 100 भी ला सकते हैं। 70 थ्योरी की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल का भी 30 जोड़े ले रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका कॉन्सेप्ट तो अच्छा जाएगा ही, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और साथ में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। तो ये तो बोर्ड के लिए आप इस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, इन किताबों को। अच्छा एक छोटी सी बात मैं भी लगा दूँ कि मेरे भी पूरा कोर्स का वीडियो लेक्चर्स 11th और 12th फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के बने हुए हैं, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ फाड़ के रख दी गई है उसमें। एनीवे ये किताब हो गई आपकी क्लास 11th 12th की फिजिक्स के लिए। अब कोई बच्चा कहता है सर कि ये सारी किताबें मिलकर एक अच्छा बेस बना देंगी आपका, लेकिन क्या जेई इससे निकल जाएगा केवल इतना करने से?
मेन एंड एडवांस दोनों की बात कर रहा हूँ। मेन में तो इतना आप अच्छे से कर लेंगे तो काफ़ी कुछ भला हो जाएगा, एडवांस की बात इससे नहीं बन पाएगी कंपटीशन के लिए। तो अगर जेई अगर आप चाहते हैं, इसके बाद ये चाहते हैं मेरा ये काम हो गया, पहले तो यही करना है बेटा, पहले इधर नहीं कूदना। पहला स्टेप या फर्स्ट आपको इसी पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होना आपका बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर से बताऊँगा, बता देना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, कई हो सकता लोग सहमत ना हो, कि जो ट्वेल्थ की अच्छी पढ़ाई है, तगड़ी है ना, उसके पढ़ाई में और जेई एडवांस की पढ़ाई में जो पढ़ाई का मामला है वो 20-25% ही अपग्रेडेशन है, मतलब जो आप नहीं पढ़े रहते। बाकी प्रैक्टिस के लिए तगड़े तगड़े सवाल लगाए जा सकते हैं जिनका लेवल बोर्ड के हिसाब से काफ़ी ऊपर तक जाता है। तो आप घबराएं नहीं, अगर आपने ट्वेल्थ को मजबूती से आप पढ़ रहे हैं, इलेवेंथ को मजबूती से पढ़ रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि जेई मेंस या एडवांस के लिए भी तैयारी आप कर रहे हैं या नीट के लिए भी इधर से काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। अब मैं कुछ बुक्स की जल्दी जल्दी बात कर लेता हूँ। देखिए ये अगर आप IIT JEE की बात करें कि इसके लिए सर फिजिक्स हमारी हमको प्रिपेयर करनी है तो कौन सी बुक्स होनी चाहिए, तो मैं बुक्स तो देखिए बहुत आती हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, एक SC वर्मा है जिसे सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, ये किताब बहुत ही शानदार किताब है। इस किताब में अच्छी बात क्या है कि इस किताब में जो न्यूमेरिकल्स हैं पीछे, उस न्यूमेरिकल से आप थ्योरी बड़ी अच्छी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थ्योरी पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं SC वर्मा पे, तो आप देखेंगे, देखिए ज़्यादा मोटी किताब नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे आपको फील मिले। कुल मिला के आप जानते भी होंगे ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ये SC वर्मा साहब की किताब है, किताब बड़ी शानदार है। और ये दोनों जो किताबें हैं ये 11th-12th दोनों कवर करती हैं, मेनली पार्ट 1 11th को कवर करता है, पार्ट 2 आपको 12th पे। देखिए मोटाई ज़्यादा नहीं है, बहुत पतली पतली किताबें और इसके अंदर न्यूमेरिकल बड़े शानदार हैं। तो SC वर्मा में आप न्यूमेरिकल्स पोर्शन को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके लगाइए, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है बेटा ना, कि थ्योरी वो कॉन्सेप्ट कहाँ से पकड़ें, थ्योरी कैसे याद लगे, क्योंकि इसकी थ्योरी लिखी तो है लेकिन बहुत लंबे तौर पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जैसा मैंने आपको दिखाया, बुक देख के ही लग रहा होगा कि सब कुछ उन्होंने उतने में ही बताया है, तो थोड़ा सा थ्योरी को लेके बहुत भला इस किताब से नहीं हो पाएगा। न्यूमेरिकल शानदार है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बनती है, किताब शानदार है। अब सवाल ये उठा कि ये पढ़ने के बाद थ्योरी कहाँ से पढ़ें, तो थ्योरी के लिए मैंने एक और बुक का सेट रखा है, मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ, सिंगेज पब्लिकेशन की है और मुझे ये पसंद आई है किताब, मैं दिखाता हूँ आपको, आपको थोड़ा फील आएगा। अब ये देखिए ये कई बुक्स हैं, ये दो मैं दिखाऊं तो थोड़ा आप समझ पाएंगे। जैसे ये मैकेनिक्स की मैंने पकड़ी, मैकेनिक्स क्लास 11th में पढ़ते हैं, ये मैकेनिक्स दो भागों में डिवाइड है। देखिए इस तरह से किताबें आपको दिख रही ना, सिंगेज पब्लिकेशन की, BM शर्मा साहब की, ये BM शर्मा साहब की, पता नहीं कितना आपको दिख पा रहा हो इसमें, और पब्लिकेशन भी जो लिखा हुआ सिंगेज पब्लिकेशन है, ये आप देख पाएंगे। तो इनकी ऐसी कई बुक्स आती हैं, ये देखिए मेरे हाथ में कम से कम 5 किताब मैंने लग रखी हैं, ये 5 बुक्स हैं। तो मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऐसे करके 5-7 किताबें आती हैं, सेट आता है। इसमें अगर ये बुक लेके आप लगाते हैं तो इस बुक के अंदर आपको थ्योरी भी बड़ी अच्छी मिल जाएगी बेटा, और एग्जाम्पल भी अच्छे हैं, और प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ है इस बुक को। यानी मैं यहाँ लिख दूँ, BM शर्मा साहब की है फिजिक्स के लिए, BM शर्मा जी की आती है फिजिक्स में, और जो पब्लिकेशन है बेटा, इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, बाकी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो बेटर लगे वो इस्तेमाल करिए। सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है सिंगेज पब्लिकेशन का। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये कहीं से किसी किताब वालों से कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरी अपनी राय है, और राय है आपके लिए सुटेबल हो तो आप ज़रूर लीजिए इसको, वरना अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। तो BM शर्मा जी की ये सिंगेज पब्लिकेशन की फिजिक्स की किताबें आती हैं, इसको अगर आप लगाने की तरफ जाते हैं बेटा तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, बहुत आप पे मदद छोड़िए, आपका अगर अच्छे से लगाएंगे ना तो आपका JEE मेन एडवांस सब निकल जाएगा, आप विश्वास कीजिए। ये जो सेट आप बताया, अगर ऐसा आप करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा JEE में सिलेक्शन के लिए। और ये सेट क्या करेंगे, बोर्ड्स के लिए। अच्छा, कुछ बच्चे
और अगर थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन कोई लोग हो सकते हैं जैसे मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है फिजिक्स में, आप में से कोई हो सकता है कि बिल्कुल मैं पकड़ बना लूं कि साहब इसके अंदर फिजिक्स कैसे सीखी जाए, कौन सी बुक सबसे अच्छी है। तो सबसे शानदार जिसे मेरे हिसाब से बाइबल ऑफ फिजिक्स बोला जाना चाहिए, प्रोफेसर एस सी वर्मा साहब भी ये मानते रहे थे पहले, कि रेसनिक हेलिडे जो किताब है ना, वो किताब लिखी बड़ी शानदार तरीके से गई है। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने आपके लिए किताबें यहाँ लाके पास में रख ली थी, जैसे उठा उठा के दिखा पाऊँ आपको, मैं आपको फील मिले, बाकी तो मैं बताता ही आपको। ये देखिए रेसनिक हेलिडे है, और ये जो रेसनिक हेलिडे बुक है बेटा ना, ये आपको जब एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए हो, मतलब ये जेई वगैरह के लिए मेंस एडवांस के लिए बहुत सुंदर कॉन्सेप्चुअल किताब है, और मैं रिकमेंड करूँगा इसका, आप ले लीजिए फिफ्थ या सिक्स्थ एडिशन, मेरे पास ये फिफ्थ एडिशन है। रिसेंट वाले एडिशन जब आप पकड़ते हैं तो हो सकता है थोड़ा मज़ा कम आए, पांचवा या छठा एडिशन लीजिएगा तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये मार्केट में जल्दी, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं मिल पाया था तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, आप देख लीजिए कैसा सूट करता है। तो उसके बाद मैं रेसनिक हेलिडे की बात करूँ, अगर यहाँ पर पब्लिकेशन वगैरह इसमें अगर लिखा हो वेले, तो ये किताब आपके लिए बड़ी अच्छी हो सकती है, रेसनिक हेलिडे। किस पब्लिकेशन की है ये साहब? तो ये विले की है। मैं रिकमेंड करता हूँ फिफ्थ एडिशन हो या इसका सिक्स्थ एडिशन हो, ये मेरे हिसाब से है, ठीक है। अगर आप ये सेट कर लेंगे तो लगभग श्योर है कि आपका बोर्ड तो इतने में हो जाएगा। इतने में होने का मतलब शानदार बात कर रहा हूँ, 100 में 100 की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि घबराते पासिंग 70-75-80 पूरी। और अगर इसके ऊपर फोकस कर देते हैं और ये कर लेते हैं आप मजबूती से, तो आपका जेई मेंस एडवांस भी कहीं नहीं है बेटा, पक्का ही समझिए आप। तो मेरे दिमाग में ये विचार आया था, अभी इसमें ये जो रसनी खिलीड है ये शुरुआत में आप छोड़ सकते हैं, मान लीजिए ज़्यादा पड़ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके शानदार हैं भाई साहब, आप पढ़ेंगे आपको मज़ा आ जाएगा, लेकिन समय लगता है। अब आपको इतना समय तो रहता नहीं है, 8-10 महीने पढ़ाई का तगड़ा टाइम मिलेगा, 12 महीने मान लीजिए, तो आप इन दोनों को ही लेके चल सकते हैं, थ्योरी काफ़ी मिल जाएगी बीएम शर्मा में। पहले तो ये कीजिए, पहला स्टेप, पहले कहीं नहीं भटकना है। ऐसा लोरोरा बड़ी अच्छी किताब है, बोर्ड्स के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देती है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है जेई मेंस या एडवांस के लिए। किताब बड़ी शानदार है बोर्ड प्लस के लिए, कहीं ये बोर्ड और उसके बीच में रहती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत तगड़ा बेस दे देंगी बोर्ड के लिए, और आपको तैयार कर देंगी किसके लिए, जेई मेन या एडवांस के लिए। मेन तो निकल ही जाएगा, एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ अच्छी पढ़ाई पर। और उसके बाद आप दौड़ लगा दीजिए इसकी तरफ, बीएम शर्मा पकड़ लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स मैंने जैसे दिखाई, और एस सी वर्मा के न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है इससे आपका भला होके रहेगा, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। तो यही मेरे मन में था कि फिजिक्स को लेकर मैं आपको थोड़ा सा एलिबरेट कर दूं। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, मेरे वीडियो लेक्चर्स के भी लिंक है बेटा, और बाकी ये बुक्स के भी लिंक देख सकते हैं आप, देखिए आपका भला ज़रूर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अगर ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि सही ट्रैक पे है तो कमेंट करके मुझे बताइए, लाइक करना भी मत भूलिएगा, जिससे मैं और भी सब्जेक्ट के लिए आपके लिए चीज़ें लेके आऊँ, टेंथ के लिए, मैथ्स के लिए, मैं बुक्स के लिए बना सकूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा।